Salam kids, I hope you all are fit, fine and happy at home and also watching our videos. Yes, am I right? आप सभी लोग बहुत खुश होंगे घर पे और फिट भी होंगे और हम जो वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं उनको जरूर देखते होंगे, है ना? चलो आज भी एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ध्यान से उसको देखना भी है और पिक्चर्स को देखना है और जो जो मैम बातें कह रही है उनको सुनना भी है, ठीक है? अब सबको अपना अपना नाम अच्छे से पता होगा, है ना? जैसे किसी का नाम होगा तनु, किसी का नाम होगा मनु, किसी का नाम होगा अजय, किसी का नाम होगा अद्विका, है ना? अलग अलग नाम आपके होंगे, ठीक है? तो हम अब आप क्या करेंगे, अपने नाम को थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि मानो आपका नाम है अजय, ठीक है? अजय, अ ज य, अ ज य। जब हम अजय आराम से बोलते हैं तो शुरू में हमें क्या साउंड सुनाई देती है? वेरी गुड, अ। क्या साउंड सुनाई देती है? अ, ठीक है? और जब हम अजय पूरा बोलते हैं तो आखिरी में यानी लास्ट में आपको क्या सुनाई देता है? फिर से एक बार सुनिएगा, अ ज य, अ ज य। बताइए लास्ट में आपको कौन सी साउंड सुनाई दी? य। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। तो ऐसे आप अपने खुद का नाम भी धीरे धीरे बोलकर ये पता करेंगे कि शुरू में क्या साउंड आ रहा है और आपके नाम के एंड में यानी कि लास्ट में क्या साउंड आ रहा है। यानी कि आपका नाम है अनीता, अनीता, जिसको आराम से बोलिए, अनीता। तो शुरू में आपको क्या साउंड सुनाई देती है? अ नी का। मैम ने सबसे पहले क्या साउंड लिया था मुंह से? अ, तो शुरू का साउंड है अ और अ नी का। लास्ट में क्या साउंड बोला मैम ने? का, ठीक है? तो अनिका का बिगिनिंग साउंड यानी शुरुआत का साउंड क्या है? अ। और एंडिंग साउंड यानी लास्ट का साउंड क्या है? का, ठीक है? ओके, इज इट क्लियर टू यू? इसकी प्रैक्टिस आप घर में करोगे, घर में आपके जैसे मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, भैया का नाम है, दीदी का नाम है, जो थोड़े आसान नाम है, डिफिकल्ट नेम्स आप अभी नहीं सोचोगे, ठीक है ना? जो आसान नेम्स है उनको आप ले लो, उनको आप सोचोगे, उनको बार बार बोलोगे जोर से और उनका बिगिनिंग साउंड और एंडिंग साउंड क्या है वो पता करोगे, ठीक है? ये आपकी आज की एक्सरसाइज है, आपको करना है घर पे, ओके? अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको आज का कॉन्सेप्ट और अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपको कौन से पिक्चर्स दिख रहे हैं? कैट, डॉग, पेन, हैन, रैट, गन, ठीक है? और इनके नेम्स भी मैंने जानबूझ के नीचे लिखे हुए हैं। आपके घर में भी कोई भी पिक्चर बुक होगी आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है कि स्मॉल वर्ड्स लेना है अभी, स्मॉल, जिनके नेम्स छोटे हो, ऐसे वर्ड्स आपको, ऐसी पिक्चर्स आपको लेना है अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? अब सबसे पहले हम कैट को देखते हैं, ठीक है? जब हम कैट बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, कैट, 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 ठीक है? जब हमने कैट बोला तो सबसे पहले हमने क्या बोला? कैट, 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 कैट यानी क। बिगिनिंग साउंड क्या है कैट में? बिगिनिंग साउंड क्या है? क। देखो यहाँ पे मैंने क को अंडरलाइन किया है, ठीक है? कैट में बिगिनिंग साउंड क्या है? क, ठीक है? अब हम ये क्या है? डॉग। हम डॉग को थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, डॉग, डॉग, डॉग। आपको बिगिनिंग साउंड में क्या सुनाई दे रहा है? डॉग, डॉग,
बिगनिंग साउंड क्या है? ड ड डॉग डॉग बिगनिंग साउंड क्या है? ड ड देखो यहाँ पे बिगनिंग साउंड देखिए, इसके नेम में भी आपको दिख रहा है रेड कलर में मैम ने इसको टाइप किया है ड। ओके नाउ व्हाट इज दिस? पेन। पेन को आराम से बोलना है पे न पे न। बिगनिंग साउंड क्या सुनाई दे रहा है? पे, है ना। और यहाँ देखिए नेम में उसकी बिगनिंग साउंड बिगनिंग लेटर क्या है? प प। तो पे यानी प, बिगनिंग साउंड क्या है? प। ओके नाउ व्हाट इज दिस? हेन। हेन आराम से बोलेंगे हे न हे न। अब आप ध्यान से कान लगाकर सुनिए हे न, बिगनिंग साउंड क्या सुनाई दे रहा है आपको? हे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, फर्स्ट लेटर एच, एच है तो उसका बिगनिंग साउंड हुआ ह ह, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन, हाँ ये देखो हो गया अंडरलाइन। हे न, हे न यानी कि हे, हे उसका बिगनिंग साउंड है। और जब उसका नेम हम देखते तो पता चलता है कि एच इज द बिगनिंग लेटर, और बिगनिंग लेटर एच है तो उसका साउंड क्या हुआ? ह ह ह हैन। ओके अब ये क्या है बताइए? रैट। आराम से बोलेंगे रैट रैट। नाउ टेल मी व्हाट इज द बिगनिंग साउंड? रैट रैट। नाउ लुक एट इट्स स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखो। बिगनिंग लेटर क्या है? आर, और आर का साउंड क्या होता है? र, ठीक है र र रैट। ओके नाउ व्हाट इज दिस? गन। ग न ग न क्या सुनाई देता है आपको शुरुआत में? ग, वेरी गुड। नाउ लुक एट द स्पेलिंग, what is the first letter of this spelling? G. G का साउंड क्या होता है? G. ठीक है G, gun. G, gun. ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये इन पिक्चर्स के बिगनिंग साउंड्स है, बिगनिंग लेटर्स, और उन लेटर्स के साउंड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। क कैट, ड डॉग, प पेन, ह हेन, R, rat, G, gun, okay? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने difficult words लिए हैं, ठीक है? What is this? Star. What is this? Star. आराम से बोलना है star, star, okay? Star. S, क्या सुनाई देता है आपको जब आप star, star? क्या सुनाई देता है शुरुआत में आपको? S. स, देखो यहाँ पे इसके नेम में भी लिखा हुआ है स, स्टार, स, स्टार, ओके? नाउ व्हाट इज दिस? मग, म, ग, म, ग, म, ग, बिगनिंग साउंड क्या आ रही है आपको सुनाई दे रही है? म, म, लुक एट दिस स्पेलिंग, म, ओके, म, मग, ये आपने बहुत जल्दी बताया क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा वर्ड है इसलिए आपने जल्दी पहचान लिया, आसान है, ठीक है। पहले आपको छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? क्लॉक, 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 यस। व्हाट डू यू हियर? द बिगनिंग साउंड इज क, 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 क्लॉक, क, क्लॉक। नाउ व्हाट इज दिस? Moon, moon, moon. Now look at its spelling. M, moon, m, moon. Okay. Now we will see the ending sound. ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी अभी तक, तो आपको सारे पिक्चर्स के बिगनिंग साउंड आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी रिवाइज किया था आपके साथ। आज हम सीखने वाले हैं एंडिंग साउंड।
एंडिंग यानी लास्ट में आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है उसको आपको अपना ध्यान देना है कि ये कौन सा साउंड है। जैसे हम कैट बोलते हैं तो लास्ट में हमें क्या साउंड सुनाई देती है, तो उसको आराम से बोलेंगे और लास्ट में जो साउंड होती है उस पर अपना ध्यान देंगे। कैट, कैट, कैट। तो आपको क्या सुनाई दिया लास्ट में, क्या आप इसको पहचान पाए? यस, ठीक है, कैट एंडिंग साउंड ट, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम डॉग को आराम से बोलेंगे, डॉग, डॉग, डॉग। व्हाट डू यू हियर एट द एंड? यस, वेरी गुड, ग। देखिए आप स्पेलिंग भी देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा लास्ट लेटर कौन सा है और जो हम बोल रहे हैं क्या उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। पे न, पे न, पे न। देखो लास्ट में कौन सा लेटर है, न, है ना। इस लेटर का क्या साउंड है, एन का साउंड क्या है, न। और जब हम बोलते हैं तो भी हमको न साउंड सुनाई देता है, पे न, पे न। तो एंडिंग साउंड क्या है पेन का, न। वेरी गुड, आप बहुत जल्दी पहचानने लग गए हो। ये काम आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से एंडिंग साउंड को पहचानने लगोगे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हे न, हे न, हे न। यस, वेरी गुड। व्हाट डू यू हियर एट द एंड? न, सी, ओके। रैट, रैट, रैट। व्हाट डू यू हियर एट द एंड? ट, वेरी गुड। ग न, ग न, ग न। व्हाट इज द एंडिंग साउंड? न, ओके। इज इट क्लियर टू यू? आप इन वर्ड्स को भी ध्यान से बोलेंगे, स्टार र, स्टार र। क्या सुनाई देता है लास्ट में आपको, स्टा र। लुक एट दिस लेटर, आर इज देयर, आर मीन्स र, ओके। म ग, म ग। व्हाट डू हियर एट द एंड? ग, म ग, म ग। व्हाट इज द एंडिंग साउंड इन दिस पिक्चर? ग, ओके। क्लॉक, clock, clock. Look at this letter, then it will be clear to you. Ending sound is k. Moon, moon, moon. Yes, ending sound is n. ऐसे आपको और भी pictures जितने भी आपकी books में होंगे उनसे practice करना है पहले। जब आपको अच्छे से ending sound पहचान में आएगी या पहचानने लगोगे उसके बाद आप इस तरीके की वर्कशीट्स ड्राइंग कॉपी में या इंग्लिश नोटबुक में अपनी मम्मा की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। देखो इस वर्कशीट में क्या दिख रहा है आपको, मैचिंग करना है एंडिंग साउंड के साथ, ठीक है। हियर यू कैन सी पिक्चर्स एंड हियर यू कैन सी लेटर्स, और इन सारे लेटर्स के साउंड आपको पहले से ही आते हैं, ठीक है। अब इन पिक्चर्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ डू यू नो व्हाट इज दिस? Yes, very good. बस, है ना। तो अब बस को हम थोड़ा धीरे से बोलेंगे और उसके एंडिंग साउंड को ध्यान से सुनेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। ब स, ब स, ब स। क्या सुनाई दे रहा आपको एंड में? स, स। तो स किस लेटर का साउंड होता है? Yes, very good. S का साउंड होता है तो हमने S के साथ इसको मैच कर। Now what is this? Cap. Cap हम थोड़ा सा धीरे से आराम से बोलेंगे। एंड में यानी लास्ट में आपको क्या साउंड सुनाई देता है उस पर ध्यान देंगे। Cap, cap, cap. What do you hear at the end? P, p, p. किस लेटर का साउंड है? करेक्ट, पी का। तो हमने पी के साथ मैच किया। नाउ दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से बोलोगे तो आपको आ जाएगा।
lion, la, ya, na, la, ya, na, la, ya, na. What do you hear at the end? Na. Yes. और न किसका साउंड है, किस लेटर का साउंड है? न, एन का. यस. नाउ व्हाट इज दिस? बुक. बुक, बुक, बुक. व्हाट डू यू हियर एट द एंड? क. क किस लेटर का साउंड है? के. सो वी विल मैच दिस बुक विद द लेटर के. नाउ व्हाट इज दिस? योर फेवरेट. जैम. जैम, जैम, जैम. क्लास में मैम ने कौन सा साउंड लिया है? म. म एंडिंग साउंड क्या है? म. म किस लेटर के साथ मैच होगा? एम के साथ. ओके. जब आप एंडिंग साउंड पहचानने लगोगे तो इस वर्कशीट की, इस तरीके की वर्कशीट, ये एक और वर्कशीट है, इसकी भी आप ऐसी भी वर्कशीट आप ड्रॉइंग कॉपी, इंग्लिश कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर सकते हो. दिस इज हैट, दिस इज मिल्क, बॉल, पेयर एंड फॉक्स. साउंड को ध्यान से सुनेंगे. हैट, हैट. यस, एंडिंग साउंड इज ट, सो यू विल मैच इट विथ टी. मिल्क, मिल्क. क. यस, वेरी गुड, सो यू विल मैच विथ के. बॉल, 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 बॉल. यस, एल के साथ मैच करेंगे. फेयर, फेयर, फेयर. र, आर के साथ मैच करेंगे. फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स. व्हाट डू यू हियर एट द एंड? यस, एक्स के साथ मैच करेंगे. तो ये वर्कशीट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. इसमें आपको बिगिनिंग और एंडिंग साउंड दोनों पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है. क्या है ये? हाँ, हॉर्न, हॉर्न. जब हम हॉर्न बोलते हैं तो कुछ आपको बिगिनिंग में सुनाई देता है और कुछ एंड में भी सुनाई देता है. बिगिनिंग में कौन सा साउंड आता है और एंड में कौन सा साउंड आता है, दोनों को सुनना है. हॉर्न, हॉर्न. यस, बिगिनिंग में आता है ह और लास्ट में आता है न. हॉर्न, हॉर्न. अब आपको इस पिक्चर के नीचे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? न लिखा हुआ है. तो बताइए जरा, न जो है इस हॉर्न के बिगिनिंग में आता है साउंड कि एंडिंग में आता है, पहचानिए. यस, हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न. लास्ट में आता है, एंडिंग साउंड है ना. तो जहां पे एंडिंग आता है उस पिक्चर को आपको बनाना है ट्राइंगल. क्या बनाना है आपको? उसको एक ट्राइंगल बनाना है, उस पिक्चर को. ठीक है, लाइक दिस. नाउ व्हाट इज दिस? डॉल्फिन, 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 डॉल्फिन. व्हाट डू यू हियर इन द बिगिनिंग? ड, है ना, एंड एट द एंड न. डॉल्फिन, डॉल्फिन. न एंड में आता है और शुरू में ड आता है. तो इसके नीचे क्या लिखा है? ड, यानी ये बिगिनिंग साउंड है. डॉल्फिन, डॉल्फिन. यस, तो जब बिगिनिंग साउंड आएगा तो उस पिक्चर को आपको बनाना है सर्कल. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? लैम्प, लैम्प, लैम्प. ठीक है, तो ये नीचे क्या लिखा है? ल, लैम्प, बिगिनिंग साउंड. यस, ल. तो हम इसको भी क्या बनाएंगे? सर्कल, क्योंकि इसके नीचे जो लेटर लिखा है वो है ल, और इसका बिगिनिंग साउंड भी क्या है? लैम्प, लैम्प, लैम्प. ल, ल है ना, इसलिए हमने इसको सर्कल बनाया. अगर बिगिनिंग साउंड लिखा हुआ है नीचे तो सर्कल, और एंडिंग साउंड लिखा है तो इस पिक्चर को बनाएंगे ट्राइंगल. ठीक है, ये एक्टिविटी ऐसे है. नाउ व्हाट इज दिस? शिप, शिप, शिप. यस, एंडिंग में आपको क्या सुनाई देता है? शिप, शिप. यस, प सुनाई देता है, इसका मतलब ये एंडिंग साउंड लिखा हुआ है.
तो हम इसको क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। जब एंडिंग साउंड आएगा उसके नीचे तो हम उस पिक्चर को बनाएंगे ट्राइंगल, और अगर वो बिगनिंग साउंड लिखा है उसके नीचे तो हम बनाएंगे उस पिक्चर को सर्कल। थोड़ा सा मुश्किल है ये वर्कशीट आपके लिए, लेकिन जब आप इन दो वर्कशीट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लास्ट वाली वर्कशीट यानी बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड दोनों को पहचानना आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, करोगे ना प्रैक्टिस, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल आल्सो लर्न हाउ टू राइट स्मॉल कर्सिव ए। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना कि स्मॉल कर्सिव, बहुत सारे बच्चों के प्रिंट ए टू जेड कंप्लीट हो गए हैं, कैपिटल प्रिंट ए टू जेड, तो अब हम स्मॉल कर्सिव की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा सा उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्मॉल कर्सिव ए कैसे लिखना है वो देखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान से देखना, और जैसे मैम डॉट्स लगाती है वैसे आपको भी अपनी कॉपी में मम्मी से डॉट्स लगवाने हैं, जिससे कि आप लिखना सीख जाओगे। ओके किड्स, इस तरीके से डॉट्स बनाने हैं, पहले कौन सा स्ट्रोक सीखना है वो हम देखेंगे और फिर ए कैसे लिखना है। ठीक है, जब आप इस तरीके के डॉट्स लगाएंगे तो सबसे पहले आपको इस डॉट से शुरू करना है, इस डॉट से शुरू करके इस डॉट तक स्लैंटिंग लाइन बनाना है और स्मॉल कर्व। Like this. इसकी प्रैक्टिस आपको पहले करना है कुछ दिनों तक, जब आपको ये अच्छे से आने लगे उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है। क्या है ये आपको अच्छे से आने लगे, आपको क्या करना है, इसी लाइन पर नीचे आकर ऐसे सी का कर्व बनाना है। ठीक है, जिन बच्चों को लिखने में परेशानी हो वो एक और डॉट यहाँ पे अम्मा से लगवा सकते हैं, यहाँ पे और डॉट बना सकते हो अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। ठीक है, लिखने में मुश्किल जा रहा है, कैसे करना है इसको देखो, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर आपने ये बनाने के बाद इसी लाइन पर पीछे मुड़कर ऐसे नीचे की तरफ कर्व बना लिया, सी जैसा बन गया ये आपका। जब ये अच्छे से आने लगे इसकी, बहुत दो तीन दिनों तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम ए बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे हम ए, पहले हमने स्लैंट लाइन बनाया स्मॉल कर्व, उसी पे पीछे जाकर ये सी वाला कर्व बनाया। यहां तक आप सीख गए हो तो फिर क्या करेंगे, आप इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस लाइन में मैच करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मैच करेंगे, फिर वहीं से नीचे आकर ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये है आपका स्मॉल कर्सिव ए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये आगे अच्छे से बनाना, इसको ऊपर ले जाके इसमें मिलाना है, उसी लाइन पे नीचे आना है और ये स्मॉल कर्व यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से बनाना सीखोगे तो आपको ये आ जाएगा। एक बार और बता रही हूँ, स्लैंट लाइन स्मॉल कर्व, पीछे जाके सी वाला कर्व, फिर इसमें टच करना है नीचे आकर। ओके, हो गया आपका स्मॉल कर्सिव ए। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये अच्छे से आएगा तभी आपको हम बी सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये वाले की प्रैक्टिस करेंगे, ये अच्छे से आने लगे तो फिर ये बनाना सीखेंगे आप। ओके किड्स, सो डू प्रैक्टिस एट होम, ओके, एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स टू योर मैम इन पेरेंट इंटरेक्शन मीटिंग। ओके, अगर आपको इसको बनाने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने मैम से पेरेंट इंटरेक्शन मीटिंग में पूछ सकते हो, मैम और अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे टू डॉट से नहीं लिख पाते तो हमें तीसरा डॉट कहाँ लगाना है मम्मी को, अगर तीन डॉट से भी नहीं लिख पाते तो फोर्थ वन कहाँ लगाना है, ये मैम आपको मम्मा को आपके बताएंगी और फिर आप मम्मा से ये लिखना सीख जाओ।
Okay, Sairam, bye bye. We will meet in the next class. Sairam kids.